हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए कबूतर कितने सारे आते हैं हमारे यहाँ, और बहुत सारे 10-15 कबूतर डेली ही रहते हैं टेरेस पे, इधर उधर बैठे रहते हैं। और यही थर्ड टेरेस में पानी पीने के लिए आते हैं। हर जगह पानी रखते हैं, लेकिन उनको यहाँ आके और ये ड्रम में से आके पीना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हर वक्त 24 घंटे ये भर के रखना पड़ता है, नहीं तो पानी के लिए ये नीचे ही न चले जाए। इसलिए पूरा ड्रम भर के ही रखते हैं। 10-15 कबूतर हमेशा ही रहते हैं, अच्छा भी लगता है और गंदगी भी बहुत सारी करके रखते हैं, साफ भी करना पड़ता है। तो ठीक है, एक सेवा ही समझ लीजिए इनकी। तो हमेशा ही करते हैं इनकी सेवा, इनके लिए पानी रखते हैं, जो गंदा करके रखते हैं साफ करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम आपसे कैरियो के बारे में बात कर रहे हैं। तो थर्ड टेरेस पे हमारी कैरिया है, वही दिखाएंगे हमने कैसे कैसे कैरिया बनाई है। कैरिया टेरेस पे कैसी बनानी चाहिए, उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए, ज़्यादा वेट भी ना हो, उसके लिए मिट्टी कैसी हल्की करनी चाहिए, हल्की बनानी चाहिए। अभी तो हम कच्ची कैरिया जैसे हर बार चेंज कर सके, उसी के बारे में बात करेंगे। और हमारी वैसी ही क्यारियाँ है, तो हम कैसे देखभाल करते हैं उनकी, वही आपसे शेयर करेंगे। सीलन ना पड़े इसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे कैसे नियोजन करना चाहिए क्यारियाँ बनाते वक्त, मिट्टी रिचार्ज कैसे करें, मिट्टी को कितने दिन रेस्ट करने दें, रेस्ट जरूरी है मिट्टी को, ये सभी बातें आपसे शेयर करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, क्योंकि सब डिटेल्स में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेंगी आपको। हमारी ये कैरिया थर्ड टेरेस पे है और 10 साल हो गए हैं कैरिया तैयार करें। तो अभी कुछ नई भी कैरिया हमने बनाई है, अभी इस बार 3 कैरिया नई बनाई है छोटी छोटी, वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो और जगह भी देखिए बहुत सारी खाली है, बहुत सारी क्यारियाँ हम बना सकते हैं। धीरे धीरे सब काम शुरू है इतने सालों से, पहले एक क्यारी बनाई, फिर 2 बनाई, फिर 3 बनाई, ऐसे करते करते अभी 6-7 क्यारियाँ हो गई है। ये देखिए ये पिल्लर है, पिल्लर पे हमने सब क्यारियाँ ली है, ताकि ज़्यादा वेट ना पड़े। वैसे स्लैब मजबूत रहे तो वेट वैसे ही नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हमें एक डर लगा रहता है, क्योंकि हमें अंदरूनी बातें समझ में नहीं आती है। सबसे बड़ी बात, स्लैब अच्छा हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है और नहीं आता है। ये हमारा 10 साल का अनुभव है फ्रेंड्स, क्योंकि 10 साल से हमारी यहाँ थर्ड टेरेस पे क्यारियाँ बनी है, आज तक कभी भी सीलन का हमें सामना नहीं करना पड़ा है और कोई भी प्रॉब्लम अभी तक हमें तो नहीं आया है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। कुछ भी नहीं, बस सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपका स्लैब अच्छा हो, मजबूत हो। अगर आपका स्लैब मजबूत नहीं है, सीलन आती है, तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस आए हैं, पूरे आप स्लैब को लगा सकते हैं, उससे अंदर पानी नहीं आएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, एक बार का ही खर्चा करना पड़ेगा आपको। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो पूरे स्लैब को आप वो सॉल्यूशंस लगा सकते हो और हमेशा के लिए सीलन से छुटकारा पा सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे कंपनी के मार्केट में ऐसे चीज़ें उपलब्ध है, जहाँ सीलन ना पड़े, अंदर पानी ना आए इसके लिए। तो ठीक है, तो इस तरह से आप मजबूत करिए आपके स्लैब को, वो लगा के फिर अच्छा रहेगा आपका स्लैब, पानी अंदर तक नहीं आएगा। और बिना डरे अच्छे से क्यारियाँ आप बना सकते हो और टेरेस गार्डन का आनंद उठा सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हमने किस प्रकार क्यारियाँ बनाई है वो आपसे शेयर करते हैं, साथ साथ हम केयर टिप्स भी बताएंगे इनकी, हम क्या क्या करते हैं वो भी शेयर करेंगे। ज़्यादातर क्यारियाँ हमारी पिल्लर टू पिल्लर ऐसी है, ताकि वहाँ ज़्यादा मिट्टी का वेट ना पड़े, तो इस प्रकार से हमने क्यारियाँ बनाई है। तो देखिए
इतने सारे क्यारियाँ बनानी है तो कोकोपीट डालना आसान नहीं है इतना। हमने नहीं डाला है, ना रेत डाली है, ना कोकोपीट डाला है। हमारे गार्डन की बहुत चिकनी मिट्टी है, काली मिट्टी है, खेत से हमने मिट्टी बुलाई थी बहुत सारी। हर साल हम समर में मिट्टी को वैसे रेस्ट देते हैं, रिचार्ज करते हैं। 2 महीने तक हम कुछ भी इसमें उगाते नहीं है, कोई भी प्लांट हम लगाते नहीं है अप्रैल मई में। तो फ्रेंड्स, मिट्टी को रिचार्ज करना, रेस्ट देना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको ऐसा लगे कि मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, रिचार्ज होनी चाहिए, तो कम से कम 2 महीने मिट्टी को रेस्ट दे, उसमें कुछ भी ना 2 महीने तक ग्रो करे। मिट्टी को रेस्ट की बहुत ज़रूरत रहती है और तभी जाके वो अच्छे से रिचार्ज होती है। जैसे हमें भी थक जाते हैं तो रेस्ट की ज़रूरत होती है, मिट्टी भी थकती है। एक सीज़न होने के बाद, एक प्लांट के पूरी लाइफ ख़त्म होने के बाद, उसे कभी भी ऐसे ही तुरंत प्लांट ना लगाए, मिट्टी को रिचार्ज करें और उसी दौरान समर में ही पत्तियां डालें। किचन वेस्ट रहता है, एक दिन में ही सूख जाता है, जितना भी किचन वेस्ट निकलता है वो सब क्यारियों में डालना चाहिए। और जितनी पत्तियां, सूखी पत्तियां आपके गार्डन की निकलती हैं या कहीं से लाते, अच्छे से मोटी लेयर बनाइए, उसके ऊपर फिर से मिट्टी डालिए। इस तरह से हम हर साल करते हैं और 2-3 साल के बाद ही हम क्यारियों को हटा के नई पॉलीथीन डालते हैं। हमने सब क्यारियों के नीचे पॉलीथीन डाली है, जाड़ी वाली, तो अभी इस बार तो हमने नहीं हटाई है, लेकिन आने वाले नेक्स्ट सीजन में हम हटाएंगे, तो पूरा डिटेल्स में आपको बताएंगे कि हम कैसे कैसे करते। ये क्यारियाँ पूरी नए तरह से हमने 2 साल पहले ही बना ली थी, इसलिए अभी इस बार नहीं हटाई है, लेकिन नेक्स्ट इसमें आपको बताएंगे, पूरे डिटेल्स में बताएंगे हम कैसी क्यारियाँ भरते हैं। जैसे हमने पॉट कैसे भरते हैं वो वीडियो शेयर किया है, वैसे ही लेयर बाय लेयर हम इसमें मिट्टी पत्तियाँ किचन वेस्ट डालते हैं लेयर बाय लेयर। और पत्तियाँ जल्दी डिकम्पोज होती नहीं है, उसे भी टाइम लगता है मिट्टी जैसे बनने को, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, तब जाके अच्छी मिट्टी तैयार होती है। और पत्तियाँ, किचन वेस्ट और मिट्टी मिला के ही वेल ड्रेन सॉफ्ट हल्की मिट्टी टेरेस के लिए तैयार होती है। और करिए, और मिट्टी में ज़्यादातर पोषक तत्व और भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसमें हमने किचन वेस्ट भी डाला है, सूखी पत्तियाँ भी डाली है, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। और क्यारियों में भी हम कुछ पत्तियां जलाते हैं, उसी में राख और कोयले मिल जाते हैं हर क्यारी में। वीडियो भी शेयर किया था हम किस तरह से क्यारियों में सूखे पत्ते, वेस्ट जो भी रहता है थोड़ा सा जलाते हैं, ताकि इसमें से जो भी फंगस वगैरह हो निकल जाए। इसी में राख और कोयले सब क्यारियों में ये जलाने के बाद मिल जाते हैं, तो इस तरह से हम क्यारियों की देखभाल करते हैं। तो ये देखिए हमारी एक कैरिया है, इसमें हमने किचन वेस्ट डाला था, इसमें वाटरमेलन के भी छिलके डाले थे खाए, तो हर साल वैसे ही अपने आप उग जाते हैं। सिर्फ हम पानी दे रहे हैं, इसमें कुछ प्लांट्स है, एक मिर्च का प्लांट है, तो देखिए कैरियों में वाटरमेलन के प्लांट्स निकल आए हैं। देखिए इस तरह से, पहले हमने कुछ साल पहले इस तरह ये दीवार को लग के कैरी थी, तो ये क्यारी हमने हटा के पिलर टू पिलर कर दी है, चेंज कर दिए है। इधर 2-3 साल तक थी दीवार पे लगी, लेकिन अभी हमने 2 साल पहले यहाँ बीच में पिलर टू पिलर कर दी, तो 2-3 साल के बाद हम क्यारी की जगह बदलते हैं, पोजीशन बदलते हैं इसी तरह से। ये देखिए एक क्यारी हमने ऐसे ली है, वहाँ भी एक पिलर आया है फ्रेंड्स। और देखिए 5 फीटों की हमने ये क्यारियाँ बनाई हैं, और इतनी हमारे वेजिटेबल्स गार्डन के लिए पर्याप्त है। तो इसी तरह से देखिए वहाँ भी एक पिलर दिख रहा होगा, वो प्लांट के पीछे वहाँ एक पिलर है, और यह देखिए यहाँ, और ये सीधा एक पिलर ऐसा गया है यहाँ तक। तो इस तरह से करेंगे आप तो ज़्यादा आपको डर है, वेट ना पड़े,
तो वेट वैसे रहेंगी नहीं, मिट्टी वैसे ही हल्की बन जाती है, हमने जैसी की है उस तरह से बनाएंगे तो, और कुछ ना कुछ तो वेट रहता ही है, तो स्लैब इतना एडजस्ट कर ही लेता है, इतना हल्का भी स्लैब नहीं रहता है तो कुछ नहीं होता है। तो इस तरह से हमने ये क्यारियाँ बनाई है, एक पिलर यहाँ है और सीधा पिलर एक इधर गया है, तो ठीक है इस तरह से एक कॉर्नर की क्यारी आई है। और ये देखिए यहाँ हमने गैप छोड़ी है क्योंकि बारिश का पानी यहाँ नहीं रुकना चाहिए, सीधा निकल जाए, और इधर ही उतार है सब पानी निकलने का। और ये सबसे बड़ी क्यारी है थर्ड टेरेस के गार्डन की हमारी, ये बहुत बड़ी क्यारी है, लंबाई में और चौड़ाई में अच्छी है, ठीक है। तो देखिए वो कॉर्नर से एक कॉर्नर तक आई है, और ये क्यारी हमने पिलर पे नहीं ली है, दीवार पे लगी है, पैराफिट के दीवार को लगी है। देखिए पिलर थोड़े बाहर निकल गए हैं, तो इसको भी 2 साल हुए हैं बनाए, अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है इसमें भी, ये भी अच्छी तरह बन गई है। देखिए कितनी लंबी है, बहुत बड़ी लंबी है ये, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरी ऐसी आती है, चौड़ाई भी अच्छी है, और हर जगह आपको कोयले मिलेंगे ही मिलेंगे, और बारीक बारीक कुछ रहा है तो डिकम्पोज हो जाएगा। और देखिए मिट्टी दिखाते हैं हम आपको कि कितनी सॉफ्ट बनी है, लेकिन एकदम से सॉफ्ट नहीं बनी है फ्रेंड्स, ये 10 साल लगे हैं ये मिट्टी को अच्छा बनाते बनाते, पत्तियाँ डाल डाल के, अब जाके देखिए कितनी भुरभुरी सॉफ्ट मिट्टी बनी है, बहुत अच्छी मिट्टी बनी है हमारी। इस तरह से करेंगे तो आपकी भी मिट्टी बहुत अच्छी बन जाएंगी बिना कोकोपीट के, तो पत्तियों से भी कहने का मतलब है बहुत अच्छी आपकी मिट्टी बनती है, बस डीकम्पोज होने तक ही पेशेंस रखना पड़ता है। तो इस तरह से देखिए पूरी तैयारी करके रखी है हमने कैरियो की, अभी जून में हम इसकी इसमें प्लांट्स लगाएंगे, वेजिटेबल्स लगाएंगे, ग्रो करेंगे तो भी शेयर करेंगे। देखिए कुछ कुछ बचा है तो डीकम्पोज हो जाएगा। तो ये हमारी पूरी क्यारियाँ तैयार है आने वाले सीजन के लिए, वेजिटेबल्स ग्रो करने के लिए, बस ऊपर से थोड़ा सा कंपोस्ट डाल देंगे तो पत्तियों से ही पोषक तत्व मिलते रहेंगे, किचन वेस्ट भी है तो प्लांट्स जो भी ग्रो करेंगे उसमें से ही पोषक तत्व मिलते रहेंगे। ज़्यादा अभी कंपोस्ट बारिश में डालने का कोई मतलब नहीं है, बारिश का पानी ही हमारे प्लांट्स के लिए सर्वगुण संपन्न है, सब पोषक तत्व मिल जाते हैं, तो ज़्यादा कंपोस्ट ना डालें, अभी बाद में ही डालें। कभी कभी बारिश ना आए तो लिक्विड मैन्यूअर देंगे तो चल जाएगा काम, वो बाद में शेयर करेंगे। और ये देखिए ये कुछ हमने अभी नए बनाए हैं, ये 3 क्यारियाँ और 1 क्यारी है, और ये 2 क्यारियाँ है, ये कुछ कूलर के टब थे, देखिए उसमें हमने वैसी ही लेयर भरी, देखिए अभी कितनी अच्छी मिट्टी तैयार हो गई है। ये 2 महीने हो गए हैं इसे बनाए हुए, वैसे ही रखे हैं हमने भर के, कुछ भी यूज़ नहीं किया है, अब यूज़ करेंगे, वेजिटेबल्स लगाएंगे हम। देखिए पूरी लेयर अंदर तक पत्तियों की है, ऊपर सिर्फ हमने मिट्टी डाली है। देखिए इस तरह से हम सब क्यारियाँ बनाते हैं, ये जब 2 महीने पहले बनाए थी तो वीडियो शूट नहीं किया था, तो नहीं तो बताते थे हम, इसका भी वीडियो करते थे शेयर आपसे, तो बस उसी तरह से है। देखिए अंदर तक पूरी पत्तियाँ है, थोड़ी सी मिट्टी ऊपर है, इस तरह से बहुत अच्छी रिच मिट्टी ये भी बन गई है। ख़राब हुए कूलर के टब का भी आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ये 2-3 साल से हम यूज़ कर रहे हैं ये टब को, तो अच्छे से है अभी भी बना हुआ, थोड़ा सा ज़्यादातर क्रैक गया था तो उसमें पॉलीथीन डाल दी थी, अब अच्छे से बन गया है। ऐसे विटे रखी है 4, 2, 2, यानी एक साइड में हमने 4 विटे रखी है इस तरह से, तो ये अच्छा रहेगा और पानी भी नीचे नहीं ठहरेगा। तो इस तरह से कुछ आपके पास चीज़ें हो तो कूलर के टफ हो तो इस तरह से यूज़ करिए, बहुत अच्छे से ग्रो होती है इसमें वेजिटेबल्स, और इस तरह से यूज़ करेंगे तो वेट भी नहीं पड़ेगा, आपको डर है तो वेट का तो वो भी नहीं रहेगा। ये कूलर का दूसरा टफ है, 2 टफ है यहाँ कूलर के, देखिए इसमें भी वैसे ही मिट्टी हमने बनाई है, और अच्छी मिट्टी, हर तरफ आपको पत्तियाँ ही दिखेंगी नीचे,
ये एक साल में अच्छे से डिकम्पोज हो जाएंगे। तो ये ऐसी पत्तियाँ दिख रही है ना, तो ये पत्तियाँ भी नहीं दिखेंगी आपको। तो इस तरह से कूलर के टब का भी हमने अच्छे से यूज़ कर लिया है। बाहर बेच देने से उसका यूज़ कर रहे तो बहुत सारे साल में एक बार ख़राब होता ही है कूलर का टब, तो इसका भी अच्छे से यूज़ हो सकता है हमारे किचन गार्डन के लिए। देखिए दूसरा टब भी हमने ऐसा ही रखा है एक क्यारियों के साइड में, ऐसे रखें कि पानी वगैरह ना रुके, साफ़ सफाई के लिए आपको अच्छा रहे। और ये देखिए हमने तीसरी क्यारी बनाई है, ये कुछ हमारे पास पड़ा था, ये ग्रीन प्लास्टिक की सीट थी, ये भी 10 साल से पड़ी है, उसका यूज़ कर रहे हैं। ये सेकंड टेरेस पे थी तो इस बार हम ऊपर लेके आए, वहाँ खाली कर दी जगह, और ये विटों के ऊपर रखे हैं हमने ऐसे इस तरह से। विटे भी हमारे पास थी गार्डन, ये कैरिया बनाने के लिए भी लाई, कैरिया बनाने के लिए लाई थी, तो अच्छे से कैरिया बन जाती है। विटे रही हमारे पास तो थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ता है गार्डन के लिए, बिना खर्चे का काम नहीं होता है, और वैसे ही थोड़ा बहुत खर्चा करना चाहिए, जितना वेस्ट रहता है उसका भी उपयोग करें, कुछ खर्चा भी करना चाहिए, नहीं तो अर्थव्यवस्था कैसे चलेंगे हमारे देश की। तो ठीक है, इस तरह से हमने ये भी कैरी बनाई है। ये तीन कैरी जो अभी लास्ट में दिखाई है, ये हमने अभी ऊपर ली है, ये सेकंड टेरेस पे थी। तो इस तरह से बिटे थी तो नीचे भी हमने रख दी और ऊपर भी रख दी। इस तरह से कुछ आपके पास प्लास्टिक की अच्छे वाली सीट है तो वो भी, उसका भी यूज़ कर सकते हैं, ये प्लास्टिक के सीट का, तो इसका भी अच्छा यूज़ हो जाता है। हमारे पास पड़ी थी तो हमने पहले ही इसका ऐसे इस तरह से यूज़ कर लिया। इसकी भी मिट्टी हमने वैसे ही बनाई है, नीचे तीन लेयर में हमने इसमें पत्तियाँ डाली थी, सबसे ऊपर मिट्टी डाली, जैसे एक लेयर मिट्टी, एक लेयर पत्तियाँ, एक लेयर मिट्टी, एक लेयर पत्तियाँ, इसी तरह से हमने सभी क्यारियों में भरी है। और ये हमारी क्यारी है और इतनी जगह खाली है। आने वाले ए सीज़न हो जाए तो नेक्स्ट सीज़न में बहुत अच्छी तैयारी करेंगे, न्यू कुछ सेटअप करेंगे यहाँ, तो आपसे शेयर करेंगे ही। ये देखिए इस तरह से हमने ब्लैक वाली पॉलीथीन डाली थी, बहुत जाड़ी नहीं है, सिंपल वाली ही आती है वो डाली है। तो अभी ये बाहर थी तो एक थोड़ा सा टुकड़ा निकल गया है यहाँ का, ये धूप के वजह से, नहीं तो अभी भी अच्छी बनी है, ज़्यादा महंगी भी नहीं आती ये कैरी बैग पॉलीथीन। इस तरह से हमने सभी कैरियों के नीचे ऐसी पॉलीथीन डाली है और ये हमारी कैरी है। इस तरह से आप ख्याल रखिए, केयर करिए आपके कैरियों का, आपके मिट्टी का, तो आपका स्लैब भी अच्छा बना रहेगा, वेजिटेबल्स भी ऑर्गेनिक अपने किचन गार्डन में उगाते रहेंगे टेरेस गार्डन में। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये थर्ड टेरेस की क्यारियाँ हैं। और भी कुछ जानकारी छूटी है तो और भी शेयर करते ही रहेंगे, तो भी बताएंगे हम आपको। तो जितना हो सके हम जितना करते हैं, हम हमारे क्यारियों के साथ हमारे किचन गार्डन में थर्ड टेरेस में वही बताने की कोशिश की है। हाँ थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन कभी कभी आपको ज़रूरत है तो देख लिया करो। तो ठीक है फ्रेंड्स, और ये देखिए हमारी तुलसी जी का प्लांट यहाँ लगा है, और ये मंजरी आई है ऊपर तो निकाली नहीं है हमने। बहुत सारे हमारे गार्डन में तुलसी के प्लांट्स हर तरह के है, तो अच्छे हेल्दी बने रहते हैं। हम कुछ भी केयर नहीं करते हैं, बस पानी के सिवा हम कुछ भी नहीं देते हैं। हम बोलते हैं कि तुलसी के प्लांट की कोई भी केयर नहीं करनी पड़ती है, कोई भी सीज़न में हम नहीं करते हैं, और हमारे प्लांट्स हेल्दी बने रहते हैं तुलसी जी के भी। कभी शेयर करेंगे, इसका भी वीडियो बनाएंगे। और आखिरी में ये देख लीजिए, यहाँ एक चूल्हा रखा है, सीमेंट का चूल्हा है ये, ज़रूरत के हिसाब से कभी कभी इसे जलाते हैं, विंटर में कभी खाना बनाते हैं। तो ठीक है, ओके बाय फ्रेंड्स।